राम नाम ही एक देखना जरा तौलिया बांधे। हाँ उनको भेज देना जरा, अगर जबरदस्त से दादाजी चश्मा लगाए बैठे क्या। हाँ आओ 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 प्रभु, ये सब लाइन से बैठाते जाना है, एक एक करके भेजते जाना। किसको बुलाया था हमने शुरू में? मीना। हाँ आओ। अब कहा है हमारे दिमाग में बहुत सी तरंगें चल रही ना। सीताराम माइक लो आप पहले, बिना माइक के। अरे नाम पता तो बता दो माइक से, इतना तो बता दो। कहाँ की आप? मैं नागपुर से हूँ। नागपुर में कहाँ से? अच्छा दो शहर भारत में अद्भुत है, कानपुर और नागपुर। नागपुर से हूँ, मीना नाम है। एक मिनट रुक जाओ, हमारा ऑब्जर्व देखो कितना अद्भुत रहता है, है? कानपुर नागपुर। कहो विधायक जी है? हमारे विधायक जी ठीक है, सरल है। मैं कहना गुरु जी आप जो कहो सब सही है। एक बार हम विधायक जी नागपुर रातों भर घूमे, पूरी रात कोई गौशाला गए थे, है ना? कहाँ थी वो गौशाला? इन्हीं की विधानसभा की, आपकी विधानसभा की। आप जब ही लेवा गए थे, बोलो माँ। हाँ हाँ वो बाद में ले लेंगे, पूछो। हाँ बोलो। मैं दर्शन के लिए आई थी, दर्शन की बहुत इच्छा थी, सपने में देखे थे आप मुझे। हम सपने में दिखे? हाँ मैं आपका वीडियो देख रही थी अचानक, मैं बहुत वो आपने विवाह सम्मेलन की जो वीडियो डाली थी उसमें वो देख रही थी, अचानक मुझे नींद आई दोपहर में, काफ़ी अच्छी नींद आई और सपने में आप ही आप दिखे मुझे, बात भी करते रहे मेरे से, कल रात भी आप सपने में दिखे मुझे। और मैं समझ, मैं आई यहाँ पर आज, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, कल मैंने लाइव देखा आपको, पर आज का कुछ कुछ पता नहीं था कि कौन सा एड्रेस है क्या है। नैवेद्यम गई वहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा रजवाड़े चले जाओ। यहाँ आई पास नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैं दर्शन तो करके जाऊंगी, मुझे को आपने बोला था अगर गुरु की कृपा दृष्टि भी अगर पड़ जाती है तो कृपा हो जाती है, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा प्रश्न कुछ हो या ना हो, मैंने बस यही सोचा प्रश्न कुछ हो या ना हो, समस्या का समाधान हो ना हो, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि बस पड़नी चाहिए मेरे ऊपर, मेरे को लगेगा सब कुछ अच्छा हो गया है। वाह, आपके तो, साथ भी आए ना? हाँ मेरे पति आए हैं। आपके स्वामी जी कहाँ हैं? आओ देखो, इसमें एक बात और हम जोड़ेंगे, गुरु कृपा पर इन्होंने बोला, हम ये बोलते हैं समस्या का समाधान हो या ना हो इस बात पर हम ये बोलते हैं, आप अगर दरबार में बैठ गए ना, नियम शुरू कर दिया ना, तो चाहे पर्चा बने या ना बने पर समस्या का समाधान तो होना है। आप बागेश्वर बालाजी से जुड़ गए मतलब आपका समस्या का समाधान होना है। अब प्रश्न पूछो। मैंने ये भी सोचा था कि अगर आज आपके दर्शन नहीं भी हुए ना तो भी मैं एक बार तो आऊंगी आपके पास वहां पर। और मैंने इनको बोला भी था। बोलो अब प्रश्न पूछो। आर्थिक स्थिति डावाडोल चल रही है, काम धंधा कुछ अच्छा बन नहीं रहा है। भाई का काम है प्रभु। और बोलो। बस और ट्रक का काम है, पर अभी बहुत स्थिति डावाडोल चल रही, काम कुछ बन नहीं रहा है। नजदीक आ जाओ, हम आपको पढ़वा दें। परिवार का उपद्रव कम हो, धन की हैरानी बनी हुई है, लगातार वाहन में दिक्कत बनती है, उनमें खराबी बार बार आती है, तेज गति के साथ चलेंगे, उन्नति होगी, आर्थिक विकास होगा, 4 माह बाद आपका वाहनों से ही लाभ तेज होने लगेगा। आशीर्वाद गुरु जी, धन्यवाद। ट्रक भी तो है आपके पास? ट्रक भी तो है? कछु संपत्ति फिर हमें दियो, कवच देना है हमें, वो आप धाम से ले लेना, ठीक है? बहुत ज्यादा आपके साथ चालाकी हो रही है इसमें।
लेकिन बहुत हो रही है वर्तमान में, आप समझ नहीं रहे हैं, थोड़ा क्लू समझिए, उसी में काम करने वाले यही गलती कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट होइए, होना तो पड़ेगा। अब चूंकि ठीक है आप स्नेह करते अपने हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो तो कर रहे हैं। अब आज का जमाना थोड़ा उल्टा है, स्ट्रिक्ट होइए। स्ट्रिक्ट मतलब ऐसा नहीं, बहुत कठोर। कठोर का मतलब ये मतलब पारदर्शिता, ये तो होनी चाहिए। आपको तो जो बोल देते हैं वही मान लेते हो। खराब हो गई मतलब हो गई, इतना डीजल लग गया मतलब लग गया, रीडिंग से तो मतलब ही नहीं आपको। भाषा समझ रहे हो, ये गलती हुई है, हो रही है आपसे, सुधार करो। उसमें सुधार करोगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, लाभ होगा, आर्थिक उन्नति होगी, और एक नए वाहन का योग और बन रहा है। आप लेना चाहते हो, विचार भी किया है, आ जाओ चले जाओ, बालाजी ने चाहा तो नया वाहन दीपावली के पहले प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद। सेल्फ सीताराम, स्वयं राजा बनो। तुम्हारा सपना पूरा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम बहुत भोले आदमी हो, सरल हो, वरना तुम्हारा सपना जो 100 बसों वाला था ना, वो होता कभी। चलो अब थोड़ा सा स्ट्रिक हो, सदैव बना रहे। जो नया वाहन आ जाए ना, नई गाड़ी आने वाली है, जो हमें जरूर बताना। स्वागत, खुश रहो। जय सन्यासी बाबा की। नागपुर वैसे ही ऑफिस से गई, तब तक आप निकल गए, बस जाते हुए आपका दर्शन हो गया था। आज भी माँ को लेके बस मार्केट के काम से निकली थी, मैं सोची आज भी दर्शन नहीं, लेकिन एक औरत को देखा कि वो उधर आपकी तरफ आ रही है, उसके पीछे पीछे मेरी गाड़ी आ गई। मैं सारा सामान सीढ़ी पे छोड़ के बस अंदर घुस गई। अचानक और देखो अचानक तुम्हारी अर्जी लग गई पर्चे के लिए, कि मैं कहाँ से पर्चे लाऊँ, कहाँ से टोकन लाऊँ, सबसे पूछ पूछ के थक गई। जैसे ही आप अंदर दरवाजे पे घुसे वैसे मैं अंदर चली आई। कोई पर्चा टोकन नहीं लगता है यहाँ। लोगों से पूछा तो उनके पास पास थे, मेरे पास पास भी नहीं। अच्छा, प्रवेश के पास देगा, एंट्री पास मिलेगा। अच्छा होटल आए ना, सभाना मिले हुई है, हमें कछु तो बिना पास के लग रहा है। मैं खुद बिना पास के हूँ महाराज। आ जाओ बहन नजदीक, कोई बात दर्शन कर आई हूँ, पूछो क्या बात। मैं दोनों परिवार से दुखी हूँ, माँ कैसे भी दुखी हूँ, ससुर क्या हो गया है बहन, न आमदनी चल रही है, नौकरी छूट रही है, न गृहस्थी जीवन है, मियां बीवी दोनों अलग है, बहुत परेशान, घर में कलेश, तबीयत ठीक नहीं रहती, धन की तंगी बनी हुई है, स्थायी जॉब को लेकर वर्तमान में परेशान है, 3 से 5 माह में बार बार छूट जाती है। कृपा होगी स्थाई जॉब 2023 के 4th माह में मिल जाएगी एक कंपनी में। आशीर्वाद। धाम की पेशी करनी है। धाम एक बार अभी एक महीना हो गया, दर्शन करके आई हूं। वाह, वहां पर तुम्हें एक काम करना है, वहां पर एक काम इस बार जाके करना है, 5 नारियल एक साथ बांधना है और कन्या भोज करवाना है। ठीक है, माँ को हम मिलेंगे धाम पर, लेकिन एक नीचे हमने मंत्र लिखा बहन, सबसे नीचे वाली लाइन में 5 माला इसकी करनी है, नीचे की लाइन में एक और लिख दिया, घर पर भी कृपा होगी, भाई भी ठीक रहेगा, आगे बढ़ेगा, आशीर्वाद है। धाम पर आ जाए उसका, आ गया, ऊपर पढ़ो, पर्चा पढ़ो। जय बागेश्वर महाराज की। बागेश्वर बालाजी की जय। सन्यासी बाबा की।